दोस्तों, मोहम्मद रफी साहब के बारे में हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज की महान हस्तियां क्या सोचती हैं, क्या कहती हैं उनके बारे में, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आज आपको कुछ सेलिब्रिटीज की बातें सुनाऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के प्यारेलाल जी से ग्रेट सिंगर मोहम्मद रफी साहब के बारे में जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। कि रफी साहब के सबसे बड़े फैन जो है वो लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल हैं, पहली बात। दूसरी बात, उनके सबसे बड़े फैन जो हैं वो नाम लेता हूँ, आप लिखिए, किशोर कुमार, रफी साहब के बहुत बड़े फैन, मुकेश, समझिए आप, महेंद्र कपूर, और नाम निकालिए आप, मन्ना डे, हेमंत कुमार, जो भी हैं, सब हमेशा रफी साहब को इतना मानते थे, तो उनके फैन तो यही हैं, तो और हम किसकी बात करें। दोस्तों, आइए जानते हैं पंडित जसराज जी से मोहम्मद रफी साहब के बारे में कि वो क्या सोचते हैं उनके बारे में। स्वर्गीय मोहम्मद रफी साहब का नाम लेते ही नमस्कार करने की इच्छा होती है। ही वॉज ए ग्रेट सिंगर और बहुत ही अच्छा गाते थे, उनके लिए किसी भी प्रकार का गाना कोई मुश्किल चीज नहीं। दोस्तों, ग्रेट संगीतकार कल्याण जी आनंद जी के आनंद जी से सुनते हैं उनकी जुबानी मोहम्मद रफी साहब के बारे में, वो क्या कहते हैं। वो गाना जब भी रिहर्सल करते थे तो एक टेम्पो होता गाने का, तो उसे हाफ टेम्पो में पहले वो रिहर्सल करते थे और उसमें समझ लेते थे कि भाई यहाँ पे परदेसी इतना ही करना है कि करना है, उतना लिख लेते थे, ध्यान रखते थे, और फिर जो वर्ड पे ज़्यादा एम्फेसाइज करना है वहाँ एक नीचे दाइन डाल देते थे ताकि उसको एम्फेसाइज कर सके। दोस्तों, ग्रेट आर्टिस्ट शम्मी कपूर साहब ने मोहम्मद रफी साहब के बारे में क्या बताया। एक गीत, जिस गीत के बोल थे तारीफ करूं क्या उसकी, जिसे संगीत ओपी नैयर साहब ने दिया था, और ओपी नैयर साहब से शम्मी कपूर साहब की कुछ अनबन हो गई और बाद में रफी साहब ने शम्मी कपूर साहब का साथ दिया, इसी बात को शम्मी कपूर साहब ने बताया है मोहम्मद रफी की महानता को। आइए जानते हैं। बड़ा मशहूर किस्सा जो ओपी नैयर के साथ झगड़ा हुआ था, तारीफ करूँ गाने पे, रिकॉर्डिंग पे थोड़ा झगड़ा हुआ था। मैंने नैयर से कहा भाई कि मुझे जो साइन लाइन है एंड में उसके साथ रिपीटेशन चाहिए। मैंने कुछ सोचा हो, नहीं बोले वो बोर करेगा, बहुत रिपीटेशन हो जाएगा, बहुत टू मच हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। आई वॉन्ट टू बिल्ड अप टू समथिंग, आई वॉन्ट टू डू समथिंग। नहीं बकवास, नहीं ऐसा चाहता हूँ, मैं कुछ करने वाला हूँ। आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन दिस, आई वॉन्ट रेपुटेशन, और मुझे चाहिए उससे क्रिसेंडो बिल्डअप होगा और एक पिच पे जाएगा। तो अच्छा कर देते, मैं नहीं मान रहा हूँ जी, मैं क्या, ओ मैं बोल रहा ठहर तू ठहर हो, मैं बोल रहा हूँ, वो गैर नहीं हो, वो यार क्या तकलीफ, क्या तकलीफ हो रही है, वो करने वाला वो है, गाने वाला मैं हूँ, वो तेनू नजर की तकलीफ हो रही है, टू द पॉइंट, इतनी है अब ये लंबा पड़ जाएगा ये, वो यार बाद में अगर नहीं अच्छा लगा ना तो काट के फेंक देना। तो करने वाला मैं हूँ, गाने वाला मैं हूँ, कर देते हैं। And that's exactly what he did. And I told him what to do, build it up. Exactly. And he did that. And that's exactly what happened. Super. And can you imagine when Nair saw it, and Asha Bhosle was there in the theater. यहाँ पे हम लोग फिल्म सेंटर में जब इसका ट्रायल देखा था, एंड ही सॉ द सॉन्ग, ही पिक्ड मी अप, गले सीने से लगा लिया, चूमा मुझे, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। दोस्तों, ग्रेट संगीतकार रवि क्या कहते हैं मोहम्मद रफी साहब के बारे में, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। ऐसे हुए कि गाना बना देंगे तो गवाएंगे किससे। दोस्तों, पंकज उदास जी का क्या कहना है मोहम्मद रफी साहब के लिए, आइए उनकी जुबानी सुनते हैं। वन आर्टिस्ट हु वाज
एन आइडियल वॉइस एक्सप्रेशन एवरीथिंग यू नो ही वाज अ कंप्लीट सिंगर। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और देखते रहिए पिक्चर्स ऑफ बॉलीवुड। और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।